कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के फ़ोन में कुछ वॉलपेपर्स देखते हैं और वो वॉलपेपर्स हमें काफ़ी पसंद आते हैं, हम उन्हें डाउनलोड करके अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन गूगल पे ढूंढना और उन्हें डाउनलोड करना एक काफ़ी फंसी चीज़ है। और साथ ही साथ कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज के डिफॉल्ट वॉलपेपर्स गूगल पे भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, एचटी स्टॉक वॉलपेपर एक कमाल का ऐप है जो कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी मोबाइल्स के वॉलपेपर आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करा सकता है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे फ़ोन मिल जाएंगे। आप इस लिस्ट में से किसी भी फ़ोन को चूज़ करके उसका वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं करने वाला हूँ नोकिया का वॉलपेपर डाउनलोड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक नोकिया लुमिया ही मिल रहा है, क्योंकि शायद नोकिया ने अलग अलग सीरीज़ में अपने वॉलपेपर्स चेंज नहीं किए, तो अलग अलग नेम से नहीं मिल रहा है। खैर, आपको यहाँ पे सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप किसी भी वॉलपेपर को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर क्लिक करते ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, जैसा कि ऐप का नाम है HD स्टॉक वॉलपेपर, आपको जो भी वॉलपेपर्स मिलेंगे वो HD ही मिलेंगे। आप चाहे तो इस इमेज को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं बिना वॉलपेपर पे लगाए। अगर आप चाहते हैं इसे अप्लाई करना, तो ये वॉलपेपर के रूप में अप्लाई भी आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तो आप वो दे रहे हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा। अब यार, ऐड तो ये दे देता है। एनीवेज, जैसे ही मैं होम मेनू पे जाऊँगा, आप देख सकते हैं आपका वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो इस ऐप की मदद से आप ऑलमोस्ट दुनिया के किसी भी फ़ोन के वॉलपेपर को अपने स्क्रीन पे लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको आपके फ़ोन जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो फ़ोन इसमें नहीं मिलता है, तो आप पता करें कि उस कंपनी ने उस फ़ोन से पहले कौन सा फ़ोन लॉन्च किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी लगातार लॉन्च किए हुए अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग वॉलपेपर नहीं दे पाती हैं, तो वो सेम वॉलपेपर्स को कंटिन्यू करती हैं। तो इस लिस्ट में आपको वो फ़ोन के अकॉर्डिंगली नहीं मिलता है, वो सीरीज़ के अकॉर्डिंगली मिलता है। तो इस ऐप के बारे में बस इतना ही दोस्तों। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये ऐप कैसा लगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।